नमस्ते, साइनवे के वीडियो लर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। आइए, आज के इस नए वीडियो में हम देखते हैं आपको जो कैपिटल गेन की एंट्रीज करनी होती है, उसकी एंट्री करने के लिए आपको जो एक्सेल के थ्रू डेटा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का फैसिलिटी दिया है उसके बारे में, ये फैसिलिटी आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये दिखाने के लिए मैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में लॉग इन हो चुका हूँ। तो लॉगिन सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी हो, आपको आना है मिसलेनियस में, टैक्सबेस होम में। इसके थ्रू आपको जो भी एसएससी का कैपिटल गेन का डेटा एंट्री करना है उस पर्टिकुलर एसएससी के ऊपर आपको डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद उसका जो इनकम डिटेल का स्क्रीन है आपके डेस्कटॉप के ऊपर डिस्प्ले होगा। फिर आपको कैपिटल गेन्स में आना है। तो कैपिटल गेन में आने के बाद ये आपको डेटा दिखाई दे रहा है, उसको मैं डिलीट करता हूँ। या आपको डेटा इंपोर्ट करने के लिए यहाँ से एक्सेल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का फैसिलिटी दिया है, यहाँ से पहले हम देखते हैं। तो एक्सपोर्ट एक्सेल, ओके। फिर आपको ब्लैंक डेटा चाहिए या डेटा शीट चाहिए, तो जैसे ब्लैंक शीट एक्सपोर्ट, तो यहाँ मैं फाइल का नाम देता हूँ टेस्ट, यस। इसको फिर मैंने क्लोज कर दिया। आपको दिखाने के लिए मैंने कैपिटल गेन का डेटा ऑलरेडी दूसरे एक्सेल शीट में बना के रखा हुआ है, तो ये एक्सेल शीट आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपका जो डेटा है एक्सेल शीट में आप एंट्री कर सकते हो। फिर इसे सेव करके क्लोज कर दीजिए। फिर आपको आना है सॉफ्टवेयर में, यहाँ फिर आपको सिलेक्ट करना है इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, ओके। फिर यहाँ आपको आपने जो एक्सेल शीट प्रिपेयर की है वो सिलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। मैंने फाइल सिलेक्ट किया, ओपन। फिर आपको यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको पूछता है वो यस टू ओवरराइट, नो टू अपेंड एंड कैंसिल टू अबॉर्ट। सो यहाँ आपको प्रीवियस जो डेटा दिखाई दे रहा है उसको मैं ओवरराइट करता हूँ, तो ओवरराइट करने के लिए यस, यस। तो आपका एक्सेल शीट से डेटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है, ओके। देखिए यहाँ आपका जो है कैपिटल गेन का वर्किंग चालू हो चुका है। तो इस तरीके से एक्सेल के जरिए आप कैपिटल गेन का डेटा काफी इजी वे से सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।